विद्यार्थियों, अभी तक हमने समोत्पत्ति वक्र और उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया है। जैसा कि हमें पता है कि उपभोक्ता के व्यवहार के अंतर्गत जब हमने तटस्थता वक्र का विश्लेषण किया था तो उपभोक्ता के संतुलन के लिए कीमत रेखा या बजट रेखा होती है। उसी प्रकार से उत्पादक के लिए समोत्पत्ति वक्रों के साथ न्यूनतम लागत संयोग प्राप्त करने के लिए सम लागत रेखा भी होना जरूरी है, जिसे आईसो कॉस्ट या इसमें आईएसआई प्रिंट हो गया है, ये आईएसओ है, आईसो कॉस्ट लाइन। उत्पादन में सम लागत रेखा की जो अवधारणा है वो जैसा कि उपभोग में कीमत रेखा या बजट रेखा की अवधारणा होती है उसी के ही समान है। सम लागत रेखा साधनों के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जिन्हें एक फर्म एक दिए हुए लागत परिव्यय यानी कि खर्च और साधनों की दी हुई कीमतों पर खरीद सकती है। हम मान लें कि एक फर्म के पास दो साधन पर खर्च करने के लिए कुल राशि M है और X व Y साधनों की कीमतें Px और Py है, तो ऐसी स्थिति में अगर वह समस्त राशि X साधन पर खर्च करता है ना, अगर वो समस्त राशि X पर खर्च करता है तो ऐसी स्थिति में उसे इसकी M बटा Px इकाइयां प्राप्त हो सकती है, और अगर वो समस्त राशि Y पर खर्च कर देता है तो ऐसी स्थिति में M बटा Py इकाइयां प्राप्त हो सकती है। यदि खर्च हेतु राशि ₹50 हो और X और Y साधनों की कीमतें यानी X वस्तु की कीमत ₹5 और Y साधन की कीमत ₹10 हो और अगर समस्त राशि X पर खर्च करे तो 50/5 = 10 इकाई प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार से Y की 50 खर्च योग्य है और ₹10 कीमत है तो 50/10 = 5 इकाई प्राप्त कर सकता है। ये रेखा चित्र में जो PT दिखाई गई है आपको, ये जो PT है वो सम लागत रेखा है। OX अक्ष पर हमने Y साधन की मात्राएं और OY अक्ष पर Y साधन की मात्राएं ली है। समस्त लागत व्यय को X पर अगर वो खर्च करता है तो इसकी OT मात्रा प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार से अगर वह समस्त राशि Y पर खर्च करता है तो OP मात्रा प्राप्त कर सकता है। PT रेखा जो है वो सम लागत रेखा कहलाती है। फर्म इस रेखा पर X और Y साधनों के किसी भी संयोग को चुन सकती है, यह उसके लिए दोनों साधनों के प्राप्य संयोगों को दर्शाती है। फर्म इस रेखा से ऊपर दाईं तरफ कोई संयोग प्राप्त नहीं कर सकेगी क्योंकि उसके पास व्यय करने के लिए जो राशि है वह उसके लिए अपर्याप्त रहती है। इस रेखा के बाईं तरफ या नीचे की ओर फर्म कोई संयोग नहीं चुनेगी, क्यों? क्योंकि उसको चुनने की बजाय वो पीटी रेखा पर कोई भी संयोग चुन सकती है। तो जो पीटी सम लागत रेखा है वह दिए हुए लागत परिवय व साधनों की दी हुई कीमतों की स्थिति में साधनों से प्राप्त हो सकने वाले विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करती है। लागत परिवय के बढ़ जाने पर साधनों की कीमतों के स्थिर रहने पर सम लागत रेखा समानांतर रूप से ऊपर की तरफ खिसक जाती है, जैसा कि हमने उपभोक्ता के व्यवहार के अंतर्गत देखा था कीमत रेखा खिसकती है, और लागत परिवय के घट जाने पर वह नीचे की ओर आ जाती है। उपभोग के क्षेत्र में कीमत रेखा या बजट रेखा की यही स्थिति उपभोक्ता की आय के परिवर्तित होने पर हो जाती है। तो सम लागत रेखा का जो ढाल है यहाँ पर वो होगा OP बटा OT हो जाएगा। लेकिन जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि OP = होता है M/Py के और OT होता है M/Px के, इसलिए जो सम लागत रेखा का ढाल है वो M/Py / M/Px = Px/Py हो सकता है।
क्योंकि देखिए ये जो ओ पी है ना, ओ पी इज इक्वल टू है एम बटा पी वाई, रेखा का डाल यहाँ क्या होगा ओ पी बटा ओ टी, तो जो ओ पी है बराबर है एम बटा पी वाई के और ओ टी बराबर है एम बटा पी एक्स के। जब इसको भाग की तुलना में हम गुणा करेंगे तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा एम बटा पी वाई इंटू पी एक्स बटा एम। अब एम से एम कट जाएगा और हमारे पास बच जाएगा पी एक्स बटा पी वाई। तो इस प्रकार से जो सम लागत रेखा का ढाल है वो होता है पी एक्स बटा पी वाई के। तो जो सम लागत रेखा का ढाल है वो एक्स और वाई साधनों के मूल्यों का अनुपात होता है ना। तो इससे आगे हम चलते हैं कि साधनों का अनुकूलतम संयोग हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। समोत्पत्ति वक्र व सम लागत रेखाओं का उपयोग करके एक फर्म के लिए दो साधनों के सर्वोत्तम या अनुकूलतम संयोग की स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। यह संयोग उस बिंदु पर होता है जहां पर संबंधित सम लागत रेखा एक समोत्पत्ति वक्र को स्पर्श करती है। यही साधनों का न्यूनतम लागत वाला संयोग भी होता है। जिस प्रकार से तटस्थता वक्र व कीमत रेखा के द्वारा उपभोक्ता का संतुलन निकालते हैं, उसी प्रकार से साधनों का अनुकूलतम संयोग भी सम लागत रेखा और समोत्पत्ति वक्रों के स्पर्श बिंदु पर होता है। ये जो रेखा चित्र आपके सामने है इसमें आई वन समोत्पत्ति वक्र पी टी सम लागत रेखा को क्यू वन बिंदु पर स्पर्श करता है। ये देखिए है ना, यहां क्यू वन बिंदु पर स्पर्श करता है। तो क्यू वन बिंदु जो है वो न्यूनतम लागत संयोग का बिंदु है और न्यूनतम लागत संयोग को प्रदर्शित करता है जहां लागतें कम से कम आएगी एक फर्म को माल उत्पन्न करने के लिए। दूसरी समानांतर रेखा पी वन टी वन है, यह ए से बी बिंदु साधनों के उन संयोगों को प्रदर्शित करते हैं जो आई वन वक्र पर भी आते हैं। अब ये जो ए और बी बिंदु है ना, ये समोत्पत्ति वक्र फर्स्ट पर भी आते हैं और जबकि कीमत रेखा सॉरी सम लागत रेखा पी वन टी वन पर आ रहे हैं। आई वन वक्र पर उत्पत्ति की मात्रा आई टू समोत्पत्ति वक्र की तुलना में कम होती है, अतः क्यू टू बिंदु जो है वो क्यू वन बिंदु तथा ए और बी बिंदुओं से ज्यादा अच्छा होता है। ये क्यू टू बिंदु ए बी और क्यू वन तीनों से ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि उस पर समान लागत लगाकर अधिक मात्रा में माल उत्पन्न किया जा सकता है। तो लागत परिव्यय के बढ़ने एवं साधनों की कीमतों के स्थिर रहने पर पी वन टी वन सम लागत रेखा आई टू समोत्पत्ति वक्र को Q2 बिंदु पर स्पर्श करती है। अतः नई स्थिति में Q2 बिंदु जो है वो साधनों के न्यूनतम लागत संयोग को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ते जाएं P2 T2 सम लागत रेखा समोत्पत्ति वक्र I3 को Q3 बिंदु पर छूती है जिससे Q3 अनुकूलतम लागत संयोग बन जाता है। तो Q1, Q2 और Q3 ये सभी अनुकूलतम या न्यूनतम लागत संयोग है। इनको मिलाकर दोनों तरफ अगर हम थोड़ी रेखा को आगे बढ़ा दें तो हमें MN रेखा, ये MN रेखा प्राप्त होती है जिसे फर्म का विस्तार पथ कहते हैं, एक्सपांशन पथ, फर्म का विस्तार पथ। इसको याद रखना है, कई बार दो नंबर का सवाल पूछा जाता है कि विस्तार पथ किसे कहते हैं। तो किसी फर्म के लिए न्यूनतम लागत संयोगों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम विस्तार पथ कहते हैं या इसको पैमाने की रेखा स्केल लाइन भी कहा जाता है। फर्म इस पथ पर ही आगे बढ़ती जाएगी क्योंकि इसी पर उसे न्यूनतम लागत के विभिन्न संयोग मिलते चले जाएंगे। तो फर्म का विस्तार पथ जो है वो कई प्रकार की आकृतियां धारण कर सकता है। जरूरी नहीं है कि ये एम एन की तरह नीचे से ऊपर ही उठती हुई एक सीधी रेखा हो। इसकी आकृति पर साधनों की सापेक्ष कीमतों व समोत्पत्ति वक्रों की आकृति का प्रभाव पड़ता है। पैमाने के जो समान प्रतिफल होते हैं उनकी दशा में यह मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा का रूप धारण कर लेती है। जब न्यूनतम लागत संयोग है ना, तो समोत्पत्ति वक्र के एक बिंदु पर वक्र का ढाल दोनों साधनों की सीमांत उत्पत्ति के अनुपात के बराबर होना चाहिए। जिस प्रकार से उपभोक्ता के व्यवहार में हमने देखा कि
कीमत रेखा का ढाल और तटस्थता वक्र का ढाल दोनों जहाँ समान होते हैं वहाँ एक उपभोक्ता के लिए अनुकूलतम संयोग होता है। उसी प्रकार एक फर्म के लिए भी है ना, एक फर्म के लिए भी न्यूनतम लागत संयोग उस स्थान पर होगा जहाँ पर दोनों साधनों की कीमतों की सीमांत उत्पत्ति एवं समोत्पत्ति वक्र का ढाल दोनों ही समान होने चाहिए। तो उसके लिए अब हमें क्या लिखना है, Q1 बिंदु पर है ना, Q1 बिंदु पर ढाल क्या है, हमने देखा था M बटा M Px बटा M Py होगा है ना। यहाँ जो M Px है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ X है और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ Y है, यानी सीमांत उत्पादकता। तो जो इस बिंदु पर वक्र का ढाल होगा वो दोनों साधनों की सीमांत उत्पादकता के बराबर होगा। लेकिन Q1 बिंदु पर सम लागत रेखा पर भी है, इसलिए इस बिंदु पर सम लागत रेखा का जो ढाल है Px बटा Py उसके बराबर होगा। अतः न्यूनतम लागत संयोग उस बिंदु पर होगा जहां Px बटा Py इक्वल टू MPx बटा MPy होगा। और इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, एम पी एक्स बटा पी एक्स इजिकल टू एम पी वाई बटा पी वाई के। तो इस प्रकार से हमने पहले वाले समीकरण को व्यवस्थित किया तो ये समीकरण जो है हमें परंपरागत संतुलन स्थिति से पूर्णतया मिलता जुलता है। इसका अर्थ यह है कि एक साधन पर एक रुपया खर्च करने से प्राप्त सीमांत उत्पत्ति की मात्रा दूसरे साधन पर एक रुपये को व्यय करने से प्राप्त सीमांत उत्पत्ति की मात्रा के बराबर होनी चाहिए। याद कीजिए जब हमने उपभोक्ता के व्यवहार में सम सीमांत उपयोगिता नियम पढ़ा था। सम सीमांत उपयोगिता नियम में क्या होता है, इसी प्रकार से एक वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बटा उस वस्तु की कीमत का भाग इजिकल टू दूसरी वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बटा उस वस्तु की कीमत। उसी प्रकार से यहाँ पर एम पी एक्स यानी एक्स साधन से मिलने वाली सीमांत उत्पत्ति बटा एक्स साधन की कीमत बराबर होना चाहिए वाई वस्तु की सीमांत उत्पत्ति बटा वाई वस्तु की कीमत के। जैसा कि इसके पूर्व के चित्र में हमने देखा था, जो एम एन रेखा होती है या जो विस्तार पथ होता है ना, उसका यह अर्थ है कि फर्म इस रेखा के द्वारा प्रदर्शित बिंदुओं का उपयोग करते हुए आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी। इस रेखा के विभिन्न बिंदु साधनों के न्यूनतम लागत संयोगों को ही सूचित करते हैं। इसे फर्म की पैमाने की रेखा भी कहते हैं, विस्तार पथ भी कहते हैं। पैमाने की रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह उत्पादन का पैमाना बदलने पर एक उद्यमकर्ता द्वारा दो साधनों की मात्राओं में किए जाने वाले परिवर्तनों को दर्शाती है। इसका हम विस्तृत अध्ययन आगे पैमाने के प्रतिफल में करेंगे है ना। अब समोत्पत्ति वक्रों की सहायता से है ना हम उत्पत्ति की अवस्थाओं को भी दर्शा सकते हैं। न्यूनतम लागत संयोग के बाद हम आते हैं कि हम समोत्पत्ति वक्र की सहायता से उत्पत्ति की जो तीनों अवस्थाएं उनका बहुत ही आसानी से हम वर्णन कर सकते हैं। इस रेखा चित्र को देखिए, इसमें x0, x1, x2 और x3 ये जो है विभिन्न उत्पत्ति की मात्राओं को सूचित करने वाले समोत्पत्ति वक्र, ये देखिए x0, x1, x2 और x3 तथा OA और OB दो परिधि रेखाएं है ना, रिज लाइंस बोलते हैं इनको। OA और OB ये जो हैं दो परिधि रेखाएं हैं या रिज लाइंस है। OA परिधि रेखा के ऊपर की ओर y साधन की सीमांत उत्पत्ति ऋणात्मक होती है ना, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी y इज नेगेटिव, अतः इस रेखा पर x की औसत उत्पत्ति बढ़ती है। इसी प्रकार से OB परिधि रेखा से आगे x साधन की सीमांत उत्पत्ति ऋणात्मक हो जाती है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ x इज नेगेटिव, एवं y की औसत उत्पत्ति बढ़ती जाती है। देखिए यहां मैंने लिख भी रखा है x इज नेगेटिव, ऊपर मैंने लिखा है ये y इज नेगेटिव, यहां लिखा है मैंने x इज नेगेटिव, एवं y की औसत उत्पत्ति बढ़ जाए, यानी OA और OB जो परिधि रेखाओं हैं इनके बीच में
सभी समोत्पत्ति वक्र उत्पत्ति की सेकेंड अवस्था को, द्वितीय अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। अवस्था जो सेकेंड होती है, ये सेकेंड अवस्था है इन दोनों रिज लाइन के बीच वाली, द्वितीय अवस्था कहते हैं इसको उत्पत्ति की। अवस्था जो सेकेंड है, इसकी ये जो दूरियां हैं ही उत्पादन के लिए सार्थक मानी जाती है, क्योंकि इसी परिधि में उत्पादन का कोई बिंदु एक उत्पादक को चुनना होता है। एक्स थ्री समोत्पत्ति वक्र पर एस बिंदु से ऊपर का अंश, ये एस बिंदु से ऊपर का जो अंश है वह एक्स साधन के लिए अवस्था फर्स्ट का सूचक होता है, क्योंकि इसमें एक्स की औसत उत्पत्ति बढ़ती है। एस से क्यू तक एक्स साधन के लिए अवस्था सेकंड होती है, यानी यहां एस से लेकर के इस क्यू बिंदु तक द्वितीय अवस्था होगी एक्स साधन के लिए। इसमें इसकी औसत उत्पत्ति व सीमांत उत्पत्ति दोनों ही घटती है। अब क्यू बिंदु पर एक्स की सीमांत उत्पत्ति शून्य हो जाती है, जैसे ही क्यू बिंदु पर आते हैं तो एक्स की सीमांत उत्पत्ति शून्य हो जाएगी, और इससे आगे जाएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगी। इससे आगे जैसे ही हम इस तरफ आएंगे ये ऋणात्मक हो जाएगी, और उसके लिए अवस्था थर्ड आ जाती है, यानी एक्स के लिए अवस्था थर्ड हो जाएगी। फिर अब साधन एक्स के लिए जो अवस्था फर्स्ट सेकंड व अवस्था थर्ड होती है, वही अवस्था साधन वाई के लिए, यानी जो अवस्था एक्स के लिए फर्स्ट है वो वाई के लिए थर्ड हो जाती है, और जो एक्स के लिए द्वितीय है वो वाई के लिए भी द्वितीय रहती है, और जो एक्स के लिए थर्ड अवस्था है वो वाई के लिए फर्स्ट अवस्था हो जाती है। तो समोत्पत्ति वक्रों पर इन तीनों अवस्थाओं का जो स्पष्टीकरण करना बहुत ही आसान होता है। इस रेखा चित्र में हम एक साधन को स्थिर रख करके दूसरे साधन की मात्राओं को बढ़ाकर उसका उत्पत्ति पर भी प्रभाव देख सकते हैं। जैसे हम पूंजी की ओ पी मात्रा, है ना, पूंजी की ओ पी मात्रा, ये ओ से लेकर के पी तक ओ पी मात्रा के साथ में श्रम की पी एम, ये पी एम मात्रा को लगाने से एक्स जीरो उत्पत्ति प्राप्त होती है, क्योंकि ये एक्स जीरो समोत्पत्ति वक्र पर है। इसी प्रकार से श्रम की पी एम वन मात्रा लगाने पर एक्स वन उत्पत्ति प्राप्त होती है, क्योंकि ये एक्स वन समोत्पत्ति वक्र पर है। और इसी प्रकार से पी एम टू लगाने पर, श्रम की मात्रा लगाने पर एक्स टू उत्पत्ति प्राप्त होती है, क्योंकि ये एक्स टू समोत्पत्ति वक्र पर आता है। तथा पी ओ बराबर पी क्यू, सॉरी पी क्यू बराबर ओ आर, श्रम की मात्रा लगाने पर एक्स थ्री उत्पत्ति की मात्रा प्राप्त होती है। तो इस स्थिति को हम इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं कि वाई साधन की ओ पी स्थिर मात्रा के साथ, है ना, स्थिर मात्रा ओ पी में, यानी पूंजी में किसी प्रकार का हम परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, और एक्स साधन की बढ़ती हुई इकाइयों का उपयोग किया जाता है। एक्स साधन की पी एम मात्रा तक इसकी औसत उत्पत्ति बढ़ती है, क्यू बिंदु पर इसकी कुल उत्पत्ति अधिकतम हो जाती है, यानी एक्स थ्री हो जाती है, और सीमांत उत्पत्ति शून्य हो जाती है। तो की बिंदु पर एक साधन की सीमांत उत्पत्ति शून्य हो जाती है, और बाद में कुल उत्पत्ति घटने लग जाती है, जिससे सीमांत उत्पत्ति ऋणात्मक हो जाती है। इसी प्रकार एक साधन की ओ टी मात्रा के साथ, एक साधन की ओ टी मात्रा के साथ, ये टी मात्रा, वाई साधन की बढ़ती हुई मात्राओं का उपयोग करने से, है ना, अब हम एक्स की स्थिर मात्रा ले लेते हैं ओ टी, और वाई की, वाई साधन की यानी पूंजी की टी एन मात्रा तक, टी एन मात्रा तक, ये टी एन मात्रा, इसकी औसत उत्पत्ति बढ़ती है। एन से एस के बीच में इसकी औसत उत्पत्ति व सीमांत उत्पत्ति दोनों ही घटती है, यानी ये एन से लेकर के एस तक औसत उत्पत्ति और सीमांत उत्पत्ति दोनों ही घटती है। एस बिंदु पर कुल उत्पत्ति अधिकतम हो जाती है एक्स थ्री के बराबर, और इसकी सीमांत उत्पत्ति शून्य हो जाती है। इसके बाद में इसकी, यानी पूंजी की या वाई साधन की कुल उत्पत्ति घटने लगती है, तथा सीमांत उत्पत्ति ऋणात्मक हो जाती है। ये लिखा है, देखिए, वाई इज नेगेटिव, तथा सीमांत उत्पत्ति ऋणात्मक हो जाती है, और यहां पर भी श्रम की ओटी स्थिर मात्रा के साथ पूंजी की टीएन मात्रा का उपयोग करने पर कुल उत्पत्ति
एक्स जीरो मिलती है तथा टी एस पूंजी का उपयोग करने पर कुल उत्पत्ति एक्स थ्री मिलती है। तो इस प्रकार से हमने समोत्पत्ति वक्र एवं सम लागत वक्र के विश्लेषण द्वारा एक व्यक्तिगत फर्म के लिए दो साधनों के न्यूनतम लागत संयोगों को दर्शाने का जो तरीका है उसका अध्ययन किया है, और इस तरीके को आधुनिक तरीका माना जाता है ना। परंपरागत विधि के निष्कर्ष बदले जा सकते हैं, लेकिन इस विधि में दो साधनों को ही चित्र पर प्रदर्शित किया जाता है, अतः व्यावहारिक दृष्टि से इसकी उपयोगिता थोड़ी सीमित हो जाती है, लेकिन विश्लेषण के उपकरण के रूप में इसका महत्व अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए। जैसा कि हम रेखा चित्रों में देख सकते हैं कि समोत्पत्ति वक्रों की सहायता से हम एक साधन को स्थिर रख करके और दूसरे साधन को परिवर्तित करके कुल उत्पत्ति की मात्रा पर भी उसका प्रभाव देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इन तीन वीडियो के माध्यम से, दो वीडियो से पूर्व और आज का जो वीडियो है, इनके माध्यम से समोत्पत्ति वक्र व सम लागत रेखा के द्वारा एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन के लिए जाने वाले निर्णयों का अध्ययन किया है।